सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। विद्यार्थी मित्रांनो, आपले आठवीच्या दुसऱ्या पाठाच्या पाठामध्ये स्वागत आहे। आपण दुसरा व्हिडिओ घेऊन आपल्या समोर आलो आहोत। जर आमचा व्हिडिओ आपल्याला पसंत पडेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, याला शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। सुरुवात करूया आपल्या दुसऱ्या व्हिडिओची। भोवतालच्या छोट्या प्रेक्षकातच मग थोडा वेळ मी त्या गावाच्या नसल्यासारखा उभा राहिलो। छोटे जो तमाशाई थे यानी बच्चे थे, उनके दरमियान मैं उस गांव का, उस जगह का नहीं है ऐसा खड़ा हो गया। मग दूसरी तीसरी कुठली तरी घंटा होता, चिमोड्या हाताने लटलकला जात प्रेक्षागृहातच पहुँचलो। फिर दूसरी और तीसरी घंटी होते ही छोटे बच्चों ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं उस तमाशगाह में, उस प्रेक्षकगृह में पहुँच गया। या इटुकलिया पिटुकलिया प्रेक्षक वर्गाची बर्दास्त जेमतेम 15-20 मिनिटेची राखून हैरान झालेल्या द्वारपालाने मला एक खुर्चीत गोमले। इन छोटे छोटे तमाशबीनों के को बर्दाश्त करते हुए 15-20 मिनट ही मुझे रोक सका और जो द्वारपाल था यानी चौकीदार था, उसने मुझे ले जाकर एक कुर्सी में बैठा दिया। भोवती पुढ़े मागे या आणि त्या हाताला सगळी छोटी फौजच भरली होती। आगे पीछे हर हाथ के खरीब में छोटे छोटे बच्चों की फौज भरी हुई थी। एकमेकांचा कड़ा काड़त होती, एक दूसरे का गलतियां निकाल रहे थे, एकमेकांना चिमकुटे घेत होती, एक दूसरे को चिमटियां ले रही थी, एकमेकांच्या शाळेचे उने दुने काढत होती, एक दूसरे के मदरसे के स्कूल की गलतियां बता रहे थे। उस नाटकांची स्पर्धा प्रेक्षकागृहातच नाटकाआधी उताला आली होती और इस नाटक की, इस ड्रामे का जो मुकाबला था वो नाटक शुरू होने से पहले ही इस तमाशगाह में, प्रेक्षकगृह में बढ़ गया था, सामने आ गया था। नाटकाआधी उताला आली होती। कोणाचा तरी रेशमी मुठीचा गुच्छा नेम चुकून माझ्या पाठीत बसला। किसी का रेशम के कपड़ों का एक गुच्छा मेरे पीछे आकर लगा। आणखी कुणी माझ्या मांडीवरून ओढ कुंभूनस माझ्या पलीकडच्या डोक्यावर एक सॉलिड टप्पू ठेवून दिला। किसी ने मेरे मांडी के ऊपर चढ़कर पीछे किसी को एक टप्पू लगाया। मग ती बिचारी रड़ू लागली। अब वो दूसरी जो बच्ची थी वो रोने लगी। तिला उगी करण्याची प्रयत्नात बरीच गर्दी खुर्ची सोडून तिथे जमली। उसे समझाने के लिए, उगी करणे समझाना, गर्दी खुर्ची सोडून तिथे जमली, वहाँ लोग जमा हो गए उसे समझाने। आणि मग त्या बाई कुठूनशी डोळे वटारून आल्या, लेकिन अचानक कोई खातून जोर जोर की बड़ी बड़ी आँखें निकाल कर वहाँ आ गई। कोकिड़ा बाई आल्या म्हणत हा हा म्हणता। अब उनका नाम क्या था? उनका नाम था कोकिड़ा बाई। और जब वो आकर वहाँ पर खड़ी हुई, आप अपनी खुर्ची धरून बस लिया कि सबके सब बच्चे अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जनो अपन या गावाच्या नाहीत, जैसे कि कोई, सब बच्चे ऐसा लग रहे थे कि वो यहाँ पर अभी इस गांव के ही नहीं हैं। बाईचे खरे नाव वेगड़ेच असल्याचे कळले। उस खातून के का नाम जो है कुछ दूसरा ही था ऐसा समझ में आया। वेगड़े यानी दूसरा, अलग। कहार कहार माजावला या माकड़ानी, खैर मजा दिया है इन बंदरों ने, असे त्या भयंकर घरगुती उद्वेगाने वारंवार म्हणत होत्या। माकड़ानी माकड़ बंदर को कहते हैं। अब ये इस किस्म का जो भयंकर है, घरगुती उद्वेगाने वारंवार म्हणत होत्या, यानी घरेलू जो बातें होती है ऐसा बार बार वो बोल रहे थे। बाहर हाकलीन, अब उनके, देखिए उनकी जो धमकियाँ देती है वो कैसे धमकियाँ दे रहे हैं कोकिड़ा भाई। बाहर निकाल देंगे, घर ही पाठवीन, घर भेज देंगे। धपाटे मिड़तील, यानी धपाटे लगाएंगे यानी मारेंगे। असलिया धमकियाँ देखिल देत होत्या, ऐसी धमकियाँ भी दे रहे थे। खबरदार कोनी जगाचे पुनः हाल लेतर, खबरदार अगर कोई जगह से हले तो। ऐसे दरडावून त्या लांब पलीकडच्या त्यांच्या खुर्चीकडे गेल्या। ऐसा बोलकर वो दूर उनकी जो कुर्सी रखी हुई थी वहाँ पर चले गए। आणि बहुधा आडव्या उभ्या टाक्यांच्या एखाद्या, और इसके बाद
आड़े तेड़े जो उनके टाकिया थी वहाँ पर मौजूद भरतकामच्या डिझाईनची चर्चा शेजारच्या बाईची पुढे चालू करत बसल्या। अब देखिए ख़वातीन अक्सर साड़ियों के ऊपर भरतकाम ड्रेस पे कोई किसी किस्म का काम होता है तो ये भरतकाम एक किस्म का एम्ब्रॉयडरी का काम होता है जो अक्सर एम्ब्रॉयडरी करने वाली ख़वातीन अपने कपड़ों पर किया करती है। उस बारे में वो बातचीत करने लगी। लागलीच माझ्या पलीकडची माझ्या मांडीवर एक हात रोवून दुसऱ्या हाताने माझ्या अलीकडच्या डोक्यात एक भलताच फर्स्ट क्लास टप्पू ठेवून दिला। अचानक किसी ने आकर मैं एक हाथ मेरी मांडी पर रखा और दूसरा हाथ पीछे करीब मौजूद किसी के ऊपर एक ज़ोरदार टप्पू लगाया, फर्स्ट क्लास टप्पू लगाया। टप्पू लगाना यानी अचानक है तो किसी के हाथ सर पर हाथ मारना। हाथीला थोड़ाच वेळापूर्वी बसलेला टप्पू सा बदला होता, ऐसा लगा कि किसी ने इससे पहले जिसने वो टप्पू लगाया था उसने अपना बदला ले लिया है। टप्पू बसलेली जीभ काढून दाखवली। अब जिसको टप्पू लगा था उस लड़की ने क्या किया, अपनी जबान निकाली और जबान से चिढ़ाने लगी, जीभ यानी जबान। नाटकाबद्दल लिहावे एवढे थोड़े, नाटक के बारे में लिखना क्या था, वो तो बहुत थोड़ा सी बात थी कि नाटक कैसा है क्या है ये सब चीज़ें बयान करने की नहीं थी। प्रेक्षकाग्रहात काडूक झाल्यामुळे दंग्याला तात्पुरता उतार पडला। अब जो अचानक जो तमाशगाह थी वहाँ पर क्या हुआ, अचानक लाइट चली गई, काडूक यानी अंधेरा हो गया और जो वहाँ पर दंगा या आमतौर पर फसाद तो कहते हैं लेकिन यहाँ पर कहेंगे हम कि उसको अचानक खामोशी आ गई। आणि कुठले तरी एक छोटे नाटक सुरू झाले, अचानक एक छोटा सा नाटक सुरू हो गया। मोठा माणसाचे नाटकापेक्षा या नाटकास मामलाच वेगळा होता। बड़े लोगों के नाटक के मुकाबले में इस नाटक का बात ही अलग थी। इथे मोठ्या माणसाची नाही तर झाडांची पोस्टांची पेटीची इलेक्ट्रिकची खांबांची सोंगे घेतलेल्या छोट्या नटनटींनी रंगमंचावर नुसते पाहणेच खूप विलोभनीय होते। अब ये बच्चे कैसे बने हुए थे, कोई बच्चा क्या बना था, इंसान जो है वो उसने एक बच्चा झाड़ बन गया, दूसरा पोस्ट आची पेटी यानी पोस्ट ऑफिस का पोस्ट बॉक्स होता है, अभी तो नज़र नहीं आते पुराने ज़माने में होते थे, तो पोस्ट बॉक्स का डब्बा बन गया, कोई इलेक्ट्रिक का खंभा बन गया और इस तरीके से वो रंगमंच यानी कि उस तमाशगाह में उस मंच पर वो वहाँ पर अपने आप को दिखाने की कोशिश करने लगे। त्यांच्या चुका आणि गफलती देखील मनस्वी नाट्यमय होत्या, उनकी गलतियाँ और गफलत भी बहुत ही अजीब थी। त्यांचे नाच आणि गाणे सुरू झाले, इसमें उनका नाचना रक्स करना और गाना ये भी शुरू हो गया कि जनो मूर्तिमंत काव्य रंगमंचावर अवतरे। ऐसा लग रहा था कि कुछ मूर्तियाँ अचानक रंगमंच यानी जहाँ पर ड्रामा का डाइस होता है उसे कहते हैं, जहाँ पर ड्रामा पेश किया जाता है तो उसके ऊपर मूर्तिमंत काव्य ये एक किस्म की नज्म को होती है कविता। इवल्यांच्या हातांनी आणि पायांनी चुकता माकत चालणाऱ्या नृत्याचे एक एक आविर्भाव पाहताना आणि गोजीरवाण्या घड्या चावटे उमटवणारे गाण्याचे गोल गोल सूर ऐकताना नुसते हरवून जायला होते। अब देखिए यहाँ पर बात कैसी हो रही है कि छोटे छोटे बातों हाथों से पायरों से एक किस्म के रक्स कर रहे थे नृत्याचे एक एक आविर्भाव यानी वो अपना भाव दिखा रहे थे आणि गोजीरवाण्या गड्यापेक्षा मोठणारे गाण्याचे गोल गोल सूर ऐकताना नुसते हरवून जायला होत होते। अब वो अजीब किस्म के सूर पेश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम इसे भूल ही जाएंगे। नाटकात नाट्य कमी जास्त असेल तरी त्या या चिमण्या कलावंत मात्र ओतप्रोत होते। अब नाटक में जो नाटक यानी ड्रामे में कुछ कमी थी लेकिन इसके बावजूद इन छोटे कलावंतों ने छोटे अदाकारों ने छोटे एक्टर्स ने जो अपने काम किया था वो बहुत अच्छा था। आमच्या छोट्या मैत्रिणीने मधून जीभ बाहेर काढत आणि एरवीच्या सवयीनुसार उगीच नाका खालून मनगट फिरवत तिचे काम जरा घाईनेच पण चोख म्हटले। अब हमारी जो छोटी सहेली थी उसने जो अपना काम किया वो बीच बीच में अचानक जबान निकाल रही थी और अपनी जो आदत है उसके मुताबिक वो क्या कर रही थी,
नाका खालून मनगट फिरवत तिचे काम जरा घाईनेच पण चोख म्हटले। नाक के नीचे से अचानक वो क्या कर रही थी, अपना मनगट यानी अपना हाथ फिरा रही थी। आणि अपने जो डायलॉग थे घाईनेच जल्दी से पण चोख म्हटले अच्छी तरीके से बोले। मधूनच ती रंगमंच मंचावरच्या झगझगीत प्रकाश डोळे किलकिले करून प्रेक्षक राहत मी कुठे बसलो आहे आणि ते देखील धीटपणे नहाळीत होती हे मला कधीच जमले नसते। अब इतने पूरे प्रेक्षक गृह में मैं कहाँ पर बैठा हूँ ये सब चीज़ें वो बड़ी दिलेरी से धीटपने दिलेरी से निहाड़ित यानी निहार रही थी देख रही थी हे मला कधीच जमले नसते कि मुझे कभी भी जमा नहीं होता। नाटक संपल्यावर मी तिला हे सांगून टाकले और नाटक ख़त्म होने के बाद मैंने ये तमाम चीज़ें उसे बताई। ती तशी ती खुश झाली, ये सब चीज़ें सुनकर वो बहुत खुश हो गई। तिच्या नाटक करणाऱ्या बाईशी तिने माझी अभिमानाने काका अशी ओळख करून दिली और जो नाटक उसकी खातून टीचर करवा रही थी उसे बहुत ही ज़्यादा अभिमान से यानी बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र से उसने मुझे मेरा वहाँ पर पहचान करवाई ओळख करवाई कि ये मेरे काका है। तिला सोबत म्हणून शाळेच्या बसमधूनच मला घरापर्यंत सोडण्यात आले। उसके साथ में हो ये सोचकर मुझे मेरे उसके साथ में ही घर तक आने का मौका मिल गया। वाटेत त्या सगळ्यांनी चिमुरड्या कसली कसली इंग्रजी मराठी गाणे ओरडत होत्या। अब रास्ते में वो बच्चे अचानक अंग्रेजी या मराठी गाने गा रहे थे। सायोनाराचे काहीतरी ठसक्यात मोठमोठ्यांदा म्हणत होत्या। कुछ बच्चे सायोनारा कह रहे थे। सायोनारा ये एक जापानी लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं गुड बाय या फिर बाय बाय खुदा हाफिज। हिप हिप हुर्रे चे केवड़े तरी गाजर करत होत्या। सायोनारा के एक माने अलविदा भी होते हैं। बाज बच्चे हिप हिप हुर्रे भी कह रहे थे और उसे एक लय में गाने की कोशिश कर रहे थे। बस दनानत होती, बस तेज़ी से चल रही थी। रास्ते वर्ची मान से वड़ून वड़ून भगत होती और रास्ते पर के लोग पलट पलट कर देख रहे थे। बस मदल्या हर्ष भरी चिमनियाँ खिदड़त होत्या। चिमनियाँ यानी छोटे बच्चों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। हर्ष भरी यानी खुशी से भरे हुए। गात होत्या यानी गा रहे थे। चिव चिवत होत्या और चहचहा रहे थे। अब देखिए चिव चिव मतलब चहचहाना। मी आणि त्या पोरींच्या बाई तेवढेच गप्प होतो। मैं और उस बच्ची के जो टीचर थे मौलिमा थी बहुत ही खामोश थे। वाटत होते कि हे प्रौढपणाचे नको नको म्हणत अंगाला चिकटून बसलेले वाईट अगदी दुष्ट नाटक हे एकदाच उचकटून फेकून देता आले असते तर केवड़े छान झाले असते, केवड़े मोकळे आणि हलके वाटले असते। ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे जिस्म पर लगे हुए अंगाला चिकटून बसलेली वाईट यानी जिस्म को बैठी हुई जो एक गलत आदत होती है अगदी दुष्ट नाटक, ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा दुष्ट यानी बहुत ही जालिम नाटक है, ड्रामा है, एकदाच उचकटून फेकून देता आले असते तर केवड़े छान झाले असते, एक बारी से उतार कर फेंक दिया होता, केवड़े मोकड़े यानी हल्के वाटले असते, कितना बड़ा और अच्छा हल्का लगा होता। अब ये प्रौढ़पना यानी इंसान जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, उस वक्त वो अपनी ज़िंदगी को एक अलग पैराए पर जीने लगता है, तो इसीलिए उस चीज़ को यहाँ पर बयान करने की कोशिश की गई है। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अल्फाज के मायने समझ लें। शब्दार्थ शरण चिट्ठी शरणगति यानी किसी के सामने नतमस्तक हो जाना, झुक जाना, गलती मान लेना। शहामत हिम्मत यानी बहुत ज़्यादा हिम्मत होना। रंगपट नाटकासाठी रंग रोटी और कपड़े बदलने की खोली यानी ना ड्रामा जहाँ पर होता है वहाँ पर कपड़े बदलने के लिए कमरा होता है उसे कहते हैं। हैरान होने त्रासुन जाने यानी बहुत ज़्यादा परेशान होना। कड़ कड़ यानी खोड़ी एक किस्म की नकल निकालना या फिर मुआमा हल करना। उताला यानी उत्साह ओसंडुन वाहने यानी बहुत ज़्यादा खुशी में मशगूल हो जाना। ओढ़ कम्बून लोक कड़ून लोम कड़ून ओढ़ कम्बून यानी कि एक किस्म की
खींचना, तानना, कहार माजवने, अतिरेक करने, प्रचंड गोंधड़ करने, बहुत ज़्यादा शोर मचाना, उद्वेगाने, भयंकर रागाने, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से। मामला यानी गोश्त, हम बोलते हैं ना उर्दू में मामला, वैसे ही ये किस्से को कहते हैं। ओत प्रोत यानी भरपूर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम फिर हाज़िर होंगे इसके कुछ सवाल जवाब के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।